मैरी क्रिसमस एवरीवन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ड्राई मंचूरियन की रेसिपी। ये जो रेसिपी है इसको देख के और खाने में दोनों में ही मज़ा आ जाता है। ये स्ट्रीट स्टाइल मंचूरियन की रेसिपी घर में कैसे बनानी है वो भी सिंपल तरीके से, आइए चलिए मैं बताती हूँ। ये खाने में इतनी लाजवाब बनती है कि बड़े और बच्चे दोनों ही खाना पसंद करते हैं, और जब ये हमारे घर में बनती है तब तो खाने का मज़ा और दुगना हो जाता है, और ये खाते खाते हम थकते नहीं हैं। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत सिंपल तरीके से और हाइजीनिक वे में, तो फिर बाहर जाके क्यों खाना। चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। एकदम स्ट्रीट स्टाइल ड्राई मंचूरियन की रेसिपी इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म मंचूरियन। यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को पहले से ही फाइनली चॉप करके रख लिया है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, हरी प्याज सब काट के रख लिया है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा और 1 कप अरारोट का पाउडर यानी कि कॉर्नस्टार्च रख के रखा है, और 1 पत्ता गोभी को फाइनली चॉप करके अच्छे से धो के काट के रखी हुई है। आप देख लें कितने लोगों के लिए बनाना है, उसके हिसाब से ले सकते हैं सारी सामग्री। साथ ही साथ मैंने कढ़ाई रख ली है गैस पे, पर गैस की फ्लेम बंद है। सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं। ये जो पत्ता गोभी है इसको मैंने काट के और धो के रख लिया था, तो इस तरीके से एक बाउल में मैंने इसको ले लिया है। तो ये 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं एक बड़ी पत्ता गोभी है। अगर आप 2 के लिए बना रहे हैं तो इसकी मात्रा कम कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले जाएगा 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। इसको स्पाइसी बनाने के लिए कुछ स्पाइस डाल रहे हैं। नमक 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच जाएगा। लहसुन पाउडर, लहसुन पाउडर डाल सकते हैं आप, लहसुन पेस्ट हो आपके पास या बारीक चॉप किया हो लहसुन। और बहुत ही ज़रूरी चीज़, 1 चम्मच गरम मसाला। इसमें सारे फ्लेवर जाएंगे। इसमें एक चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च। अब मैं इन चीजों को मिक्स कर दूंगी, सबको, मसालों को। इसको ज्यादा देर रख के नहीं रखना है। नमक डाल दिया है, नमक डालने से पानी रिलीज होता है। तो मैं इसमें अब डाल रही हूँ मैदा। मैंने इसमें 4 चम्मच मैदा डाली है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अरारोट का आटा, कॉर्न स्टार्च। और यदि आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं करारीपन के लिए। तो मैंने इसमें 4 चम्मच मैदा और 3 चम्मच अरारोट का आटा डाला है। अब मैं इनको मिक्स कर लूंगी। इतनी डालना है कि आटा आटा नहीं आए इसमें, सिर्फ अपने को बांधने के लिए चाहिए ये दोनों चीजें। अब इस स्टेज पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल डीप फ्राई के लिए, और गैस की फ्लेम कर दी है मीडियम हाई पे। मैंने ये मिला के देखा तो अभी ये ठीक से बंध नहीं रहा, तो अपन थोड़ा सा मैं मैदा और मिक्स करूंगी। तो मैं यहाँ 2 चम्मच मैदा लिया है, तो 1 चम्मच। यदि आप देख लेंगे कि ये बंद नहीं रहा है तो आप फिर से इन दोनों चीज़ों को डाल सकते हैं, मगर डालने के पहले आप ये ध्यान रखना है कि यदि 2 चम्मच मैदा यूज कर रहे मैदा का उपयोग कर रहे हैं तो 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च जाएगा इसमें।
इसकी बॉल बनाती हूँ। इनको बहुत ज़्यादा दबा के या कुछ ऐसा नहीं करना है, बस ऐसे लेना है हल्के हाथ से इस तरह से, और ना कोई ज़्यादा गोल करना है, बस इस तरह से बना बनाने के। तो हमारी मंचूरियन बॉल्स डीप फ्राई करने के लिए तैयार है और गैस की फ्लेम है मीडियम हाई पे और तेल अच्छा गर्म हो गया है। तो अब ये बॉल्स को मैं करूँगी डीप फ्राई। तो इस तरीके से स्लोली स्लोली आप बॉल्स को तेल में डालें और सावधानी बरतें कि तेल ऊपर ना आए। तो इसलिए ऊपर से कभी भी आपको डीप फ्राई करने के लिए तेल में कभी ऊपर से एकदम से कोई भी चीज़ ना डालें, नहीं तो वो ऊपर आपके आएंगे। एकदम स्लोली और नीचे से डालें तो वो आपका बचाव करेंगे, तेल उससे आपके ऊपर नहीं आएगा। तो हमेशा नीचे से ही आप कोई भी चीज़ डीप फ्राई करने डालें, ऊपर से ना फेंकें, नहीं तो तेल आपके ऊपर आएगा। तो हमेशा कढ़ाई के क्लोज से डालें। और इस तरीके से मैंने बॉल्स डाल दी थी और आप देखें ये बॉल्स को मैं यहाँ पे उल्टा पलटा के ऐसे डीप फ्राई कर रही हूँ। इस तरीके से ये सारे तरफ से अच्छे से डीप फ्राई हो जाएंगी। और इस को हमको कम्प्लीटली डीप फ्राई नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा एक बार डीप फ्राई अभी करेंगे और फिर एक दूसरे बैच में इसको फिर से फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको 5 मिनट फ्राई कर लिया था और अब मैं निकाल के इनको साइड में रख लूँगी और इसी प्रकार से बाकी सारे बैचेस को भी एक बार पूरा फ्राई कर लूँगी। पूरा फ्राई करने से मतलब सिर्फ 5 मिनट इस तरीके से ये फ्राई हो जाएंगे और फिर इसके बाद इनको हमको दूसरी बार फिर फ्राई करना है। तो ये देखिए, जनरली ठेले वाले या जो भी रेस्टोरेंट में एक बार फ्राई करके रख लेते हैं और जब ऑर्डर आता है तो उसके बाद ये सेकेंड डीप फ्राई करते हैं जिसमें कि क्रिस्पीनेस रहे। तो इस वजह से ये करते हैं कि जिसमें जब आप सर्व करें तो इसमें एकदम क्रंच आए। तो इस स्टेज पे ये एक और बार एक बैच फिर से हम ये पूरे बैच को फ्राई करेंगे और इस स्टेज पे ये हो जाएंगे एकदम क्रिस्पी। तो ये कड़क नहीं होते, मतलब ऐसे चबाने में कड़क नहीं होते, बट ये गर्म रहते हैं और अच्छे से इनका जो टेक्सचर है मेंटेन रहता है। और इसको हमेशा 2 बार में फ्राई करते हैं, कभी भी एक बार में फ्राई नहीं करते, नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाता है। इसलिए पहले एक बार 5 मिनट के लिए फ्राई करें और पूरे बैच को निकाल लें और फिर जब आप खाने के लिए रेडी हो तो इसको दूसरे बार 2 मिनट के लिए लगभग तेज़ आंच पे फ्राई कर लें और इस तरीके से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप इसको निकाल लें। और इसी प्रकार से मैंने सारे बैच को अच्छे से फिर से डीप फ्राई कर लिया था और ये देखिए कितने क्रिस्पी दिख रहे हैं। तो ये क्रिस्पी तभी होंगे जब आप इनको 2 बार डीप फ्राई करेंगे, एक बार में कभी भी ये टेक्सचर आपको नहीं मिलेगा। तो जनरली रेस्टोरेंट में जब आप ऑर्डर करते हैं तो ये सेकेंड बैच तभी फ्राई होके आता है और जिससे इसका क्रिस्पी और टेस्ट बरकरार रहता है। तो मैंने बाकी सारे बैचेस को भी अच्छे से सेकेंड बैच को फ्राई कर लिया था। तो हमने इसी प्रकार से सारे बैच को फ्राई करके साइड में निकाल लिया था और अब एक कढ़ाई ले ली है। ये मेरे पास चाइनीज़ वॉक है और इसमें अब हम मंचूरियन, ड्राई मंचूरियन का जो मेन तड़का है वो लगाएंगे। तो तेल ले लिया है मैंने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून, उसमें डाला है ढेर सारा चॉप किया हुआ गार्लिक, लगभग 2 टेबल स्पून गार्लिक डाला है। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें जिंजर डाला है कद्दूकस करके। फिर उसके बाद 1 टेबल स्पून हरी मिर्च डाली है और उसको अच्छे से सॉटे कर लूँगी 1 मिनट के लिए, जितना भी कच्चापन है अदरक और लहसुन का वो निकल जाएगा। और ये जो चीज़ है ये हम एकदम तेज़ आंच पे करते हैं, चाइनीज़ की जो भी कुकिंग होती है चाइनीज़ फूड की वो हमेशा तेज़ आंच पे होती है। उसके बाद मैंने एक बड़ी प्याज चॉप करके डाल दी है और हाफ़
कैरेट यानी कि गाजर डाला है थोड़ा सा, इसको आप लंबा भी काट सकते हैं जिस प्रकार से आप खाना चाहें। उसके बाद मैंने इसमें एक शिमला मिर्च डाल दी है और उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से सॉटे किया है। तो ये तेज़ आंच पे ही हमेशा इनको आप कुकिंग करते हैं और 1 या 2 मिनट के लिए बस इसको सॉटे करना है, पूरी सब्जियों को पकाना नहीं है हमेशा। ये सिर्फ 1 या 2 मिनट इनका कच्चापन रिटेन रहना चाहिए, तो पूरी सब्जी को आप हमेशा कुक नहीं करते हैं, 1-2 मिनट बस आपको सॉटे करना है और इनका जो कलर है ये भी एज इट इज़ रहना चाहिए। तो जब आपकी सब्जी 1 मिनट अच्छे से सॉटे हो जाएगी, उसके बाद आप इसमें क्या कीजिए, हरी प्याज डाल सकते हैं। अगर हरी प्याज इस मौसम में आती है और ये इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा एनहेंस कर देती है, तो अगर आपके पास हरी प्याज अवेलेबल है तो हरी प्याज के पत्ते और हरी प्याज ज़रूर डालें, ये चाइनीज़ का टेस्ट हमेशा बढ़ा देती है। तो मैंने वो डाल दिया था और उसके बाद 1 मिनट सॉटे करने के बाद अब मैं इस स्टेज पे डालूंगी 1 टेबल स्पून सोया सॉस। तो मैंने 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाला है, उसके बाद 1 टेबल स्पून कैचअप डाला है टमाटो सॉस, और उसके बाद 1 टेबल स्पून विनेगर डाला है। ये सारे सॉसेस को इसमें मिला के अच्छे से सॉटे करूँगी 1 मिनट के लिए, और जब तक ये सॉस सॉटे हो रहे हैं गैस की फ्लेम स्लो कर दूँगी। और मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च ले लिया है, उसमें लगभग 4 टेबल स्पून पानी डाल के एक स्लरी बना ली है और फिर वो इसमें डाल दी है। इस स्टेज पे मैं इसको कंटिन्यूसली चलाऊंगी, और अगर आपको लगता है कि इसमें आप 1 या 2 टेबल स्पून पानी और डाल सकते हैं, गुंजाइश है, तो आप ज़रूर डालें और 1-2 टेबल स्पून पानी डाल के उसको अच्छे से आप चला लें। तो इस स्टेज पे आप गैस की फ्लेम तेज़ कर दें और उसको अच्छे से सॉटे कर लें, और आप देखेंगे कि जो आपकी सॉसेज हैं वो अच्छे से पानी रिलीज़ कर देंगे। तो सॉसेज हमारा रिलीज़ हो गया है। इस स्टेज पे 1 टेबल स्पून काली मिर्च डाल दूंगी, अच्छा तीखापन और तेज़ लाने के लिए, टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और जो हमारे ड्राई मंचूरियन फ्राइड रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर दूंगी, और ऐड करने के बाद इसको अच्छे से गैस की फ्लेम तेज़ करके फटाफट इसमें मिक्स करूंगी सारे सॉसेस के साथ। तो गैस की फ्लेम हमारी रहेगी तेज़ और हमको कंटिन्यूसली इसको चलाना है। तो इस स्टेज पे सारी जो सॉसेस हैं और सब्जियां हैं मंचूरियन से अच्छे से इनको मिक्स कर देना है, जिसमें कि सारे जो मंचूरियन है वो अच्छे से सारे सॉसेस को एब्जॉर्ब कर ले। और उसके बाद मैंने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, और फिर उसके बाद इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए बस यह बन के तैयार है। गर्मा गर्म इनको सर्व करिए, इंजॉय करिए ये पार्टी सीजन। और अपने घर में अगर आप पार्टी थ्रो कर रहे हैं या किसी का बर्थडे है, या फिर यूं ही इस ठंड के मौसम में कुछ चटपटा और मज़ेदार खाने का मन है, तो ज़रूर ट्राई करें ये मंचूरियन रेसिपी। होप आपको ये ड्राई मंचूरियन रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।